जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरह से हम अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट है या किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेट है कोई भी हम तैयार करना चाहते हैं। अब हम बैक जाके मज़ीद देखते हैं कि कैनवा ऐप जो है वो हमें क्या क्या चीज़ें तैयार करने को अलाउ करता है, क्या क्या हम चीज़ें यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ढेर सारी चीज़ें आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इंस्टाग्राम पोस्ट दे रहा है, यूर स्टोरीज़ का ऑप्शन दे रहा है। अभी मैं अभी आपको तैयार करके दिखाता हूँ कि हम किस तरह से खुद से कैनवा ऐप का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्टोरीज़ या इंस्टाग्राम पोस्ट या दीगर चीज़ें जो हैं वो इजीली तैयार कर सकते हैं। अभी ये एक हमने आप यहाँ पे अपना कोई सा भी सेलेक्ट कर लें टेक्स्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस्ट विशेस। ओके, विशेस ऑलवेज, इसको नीचे करके फिर ऑलवेज। अच्छा, अब नीचे वाले पे आप क्या लिख सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी माजिद अब्बासी। ओके, ये लिख दिया। अब जी क्या कर सकते हैं मज़ीद, इस तरह नीचे आप उसको कुछ और भी लिख सकते हैं, वेलकम लिख सकते हैं, वेलकम लिख सकते हैं, और ऊपर आप टॉप पे, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के आप यहाँ पे टेक्स्ट तैयार कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ऑलवेज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, ऑलवेज़ माई बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और नीचे जो इसने लिखा हुआ है यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लिख सकते हैं कि आई एम वेटिंग, एक मिसाल है कि कोई आपका दोस्त आ रहा है, आप उसके लिए पोस्ट तैयार कर रहे हैं, और नीचे आप लिख लें फॉर यू। ओके, फॉर यू, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, कोई भी मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने ये पोस्ट क्या तैयार किया। आप कलर्स भी, इनका स्टाइल भी, फॉन्ट्स भी, वो भी आप चेंज कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। अब यही पोस्ट जो आपने तैयार किया इसी को आप अपनी स्टोरी पे लगा सकते हैं, इसी को आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, इसी को सेम डाउनलोड करके आप अपना यूट्यूब पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट कर सकते हैं, आप किसी भी जगह पे इसको क्या है पोस्ट आप कर सकते हैं। और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इसका कलर है। अब देखें, ये मैं आपको कलर स्कीम दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ब्लैक कर दिया, अब मैंने ये कलर कर दिया, ये पिंक कर दिया, इस तरह से ये ज़बरदस्त इफेक्ट दे रहा है, इतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सही है, अभी आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। अच्छा, डाउनलोड करने के लिए आप ऊपर इसके क्लिक करेंगे, ऊपर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो डाउनलोड का बटन है, अब जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं आप देखेंगे कि सेव का ऑप्शन हमें मिलता है। हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारी पोस्ट देखिए जनरेट हो रही है। ठीक है, विद इन 5 to 10 seconds आपकी पोस्ट क्या है ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आपकी गैलरी में सेव हो जाती है। फ़ौरन यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको शेयर का ऑप्शन भी यहीं पर देता है। अगर आप शेयर ना करना चाहें तो आप इसको डायरेक्ट अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं, बाद में जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसको सेव कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम मज़ीद कैनवा ऐप का इस्तेमाल करते हुए मज़ीद मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है हम यहाँ से तैयार कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको वीडियो में किसी चीज़ की कमी नज़र आई हो या आप कोई अपनी सजेशन देना चाहते हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इस्तेमाल देखेंगे पार्ट 3 में।